बोलो। प्रणाम निरुमा। प्रणाम। मेरी समस्या भी कुछ ऐसी है जो कुछ समय पहले एक महाशय जी बता गए कि ये जो मान न मिले तो कुछ नहीं, पर अपमान न मिले या अपमान का भय जिसको हम कहते हैं, तो इसके उपाय में आपने उनको ऐसे बताया कि उसकी मानसिक तैयारी करें, पर कुछ उस तौर पे और उस लेवल पे प्रयोग करने के बावजूद भी मानसिक तैयारी विचारते हैं, सोचते हैं, पर मानसिक तैयारी उतनी हो नहीं पाती है। तो इससे बहुत सारे सिचुएशंस में आई एम एट लॉस, या काफ़ी परिवार में या कहीं और थोड़ा अहित या नुकसान भी हो जाता है ऐसे विचार करने पे दिखता है। तो क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? ऐसा है, अनुभव ज्ञान होता है ना, जितना जितना हमको हमारे जीवन में जिन जिन चीज़ों का अनुभव होते जाता है, तो इन अनुभव का हमें सबक लेना चाहिए। जैसे अपमान, आपने अभी बताया कि अपमान नहीं सह पाता हूँ, उसकी वजह से मेरे बहुत ही नुकसान होता है, बहुत ही फैमिली में, बिजनेस में, हर तरह का हो सकता है। तो जैसे आपको ऐसे अनुभव होते हैं दो चार पांच बार के ऐसे अपमान की वजह से इतनी इतनी लॉस हो गई, तो आपने इस अनुभव का सबक लेना चाहिए कि इस वजह से अगर मुझे इतनी बड़ी लॉस होती है तो इस चीज़ की हस्ती क्या है मेरे पास, इसका मुझे क्यों इतनी असर होनी चाहिए, इसको मैं क्यों नहीं पचा सकता हूँ जी। और कुछ समझदारी लो, इसमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हेल्प करती है। अगर आप मानसिक तैयारी नहीं कर सकते हो तो फिर स्पिरिचुअल समझदारी लेकर भी आप उसको पछाने की तैयारी करो, क्योंकि इन सारी हमारी कमजोरियां हैं, इन कमजोरियां से हमारी प्रगति बहुत पीछे पड़ जाती है जी। समझ में आया ना? स्पिरिचुअल उपाय क्या आप रिफर कर रहे हैं? स्पिरिचुअल उपाय में ये भी हो सकता है कि जो अपमान करता है वो किसका करता है, और मैं खुद कौन हूँ, रियल में मैं खुद कौन हूँ, और जो जिस नाम का, आपका क्या नाम है? रमेश। जो रमेश का अपमान करता है, तो रमेश तो नाम है इस शरीर को पहचानने के लिए दिया गया हुआ जी। मैं खुद रमेश नहीं हूँ, मैं तो इस नाम का मालिक हूँ, और वह मालिक वही आपकी स्पिरिट आत्मा है जी। यह आत्मा मैं वही रियल में वो हूँ, यह तो बाह्य स्वरूप है, रिलेटिव स्वरूप है जी। तो इसको जो भी कहा तो बाहर ही बाहर होता है, रियल में तो मुझे थोड़ी कुछ कहता है जी। ये तो नाम, नेम प्लेट है रमेश, ये तो नेम प्लेट है, नेम प्लेट को कहता है, मुझे नहीं कहता है, मुझे तो पहचानता भी नहीं है। यह अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, चाहे लाख गालियां क्यों ना दे रमेश को जी। ये दुकान पे जो नेम प्लेट रखते हैं ना, तो नेम प्लेट को कहते हैं, दुकान अलग है, उसका मालिक तो और ही है, उसको क्या कुछ टच होता है जी। ऐसे सुना तो है जैसे कि आप जो कह रहे हैं इस रेफरेंस में कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे कई सारे अलग अलग जगह पे सुनने में आया है, पर सचेतन इस प्रकार की समझ को सचेतन पूर्वक जागृति में कैसे रहें और कैसे इसका प्रयोग ऐसे अवसरों पे करें? यही अच्छे बड़े बड़े ज्ञानियों के सत समागम से या सत्शास्त्र की पढ़ाई से अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल में लाते जाना। कोई भी अच्छी बात हमको जो टच कर गई हमको, उस बात को हमें हमारे जीवन में अप्लाई करते जाना, उसका इस्तेमाल करते जाना, और उसको भूल नहीं जाना, उसको लाइफ में याद करते जाना, हमेशा उसको याद करते जाना, ताकि हमको वो जितनी हमको अनुभव में आई हुई चीज़ें हैं
उसके हमें रिजल्ट मिले हैं, वो सारे रिजल्ट जारी रहे और हो सकता है, और इस प्योर अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकता है। नहीं, और भी ऐसे लगा था कि मैंने आपको अलग अलग अवसरों पे ऑब्जर्व करने का या टीवी के प्रोग्राम्स में वगैरह ऐसे ऑब्जर्वेशन में आया है कि कई बार जब आप सलाह देते हैं तो वो मतलब सामने वाले को ऐसे भी सलाह देते हैं जिससे उसको लगे कि आप जो उसको कह रहे हैं वो उसके फेवर में नहीं है, और उसके बावजूद भी आपको ये नहीं पड़ी रहती है कि आप जो कह रहे हैं वो उससे वो शायद दोबारा आपके पास नहीं भी आए। तो ऐसे विचार आया कि जो आप हैं या आपके जैसे जो दूसरे हैं जो जिसको खुद को इस प्रकार दे हैव ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग, शायद उनके सत्संग में रह के या उनके समागम में रह के इसमें कुछ और आगे प्रोग्रेस हो सकती, इस प्रकार के विचार आए। यही आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर करके ही ज़्यादा आप इसको अचीव कर सकते हो। आप टीवी में जैसा ऑब्जर्व किया वैसा, और जैसे पास में रहोगे तो आपको 24 घंटे ही ऑब्जर्व करने मिलता है जी। हमेशा ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमें किसी के पास कुछ लेना नहीं है। वो हमारे पास दोबारा आए या ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई संप्रदाय नहीं है कि हम किसी के गुरु नहीं हैं, कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं। ये कोई धर्म नहीं है जी। यह तो सच्ची तरह से शांति से सुखमय जीवन जीने के रास्ता बताते हैं जी। फिर हर तरह से आप किस तरह से सुखी जीवन जी सको, आपके जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई दुख ना हो, आपको ना हो और आपकी वजह से औरों को भी ना हो, उसकी वजह उसके लिए हम आपको हर तरह की एडवाइस देते हैं, हर तरह की समझ देते हैं। एडवाइस तो नहीं कह सकते हैं, पर हम समझ देते हैं आपको, अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। फिर वो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल आती है, लॉजिकल आती है, साइंटिफिक आती है, स्पिरिचुअल आती है, हर तरह की आती है जी। समझ में आया? इसमें से जिसको जो भी काम लग जाए उसके जीवन में तो शांति हो जाए, बस यही हमारा ध्येय है। और यह शांति यहाँ तक ही होनी चाहिए कि यह हमेशा शांति रहे, टेम्पररी नहीं, परमानेंट शांति हो जाए, वहाँ तक पहुँचना है। और ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका उपयोग शांति से जीने के लिए, सुख शांति से जीने के लिए है। सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे भीतर में शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, तो उसको क्या करने का है, क्या फायदा है? जीवन में टॉप में टॉप कीमती में कीमती चीज़ कोई हो तो पीस ऑफ माइंड है। इससे बढ़ के बढ़िया कोई कीमती चीज़ नहीं है दुनिया में। इसकी चीज इसकी वैल्यू भी लोगों को पसंद नहीं, आप मालूम ही नहीं है तो फिर आगे क्या सोच समझेंगे। जब और उसने कभी ये पीस, रियल पीस उसने जीवन में अनुभव भी नहीं किए, अनुभव ही नहीं है जी। पर ऐसा संभव है आप जो कहते हैं कि परमानेंट शांति रहनी चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ज़रूर है, क्यों क्योंकि नहीं बाहर की परिस्थितियां बदलते रहती है और बहुत सारे डिस्टर्बिंग भी सिचुएशंस रहते हैं। बाहर की सिचुएशंस कुछ भी हो जी, हर सिचुएशन में हमारे पास इतना वास्ट नॉलेज है, इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है कि कौन सी भी सिचुएशन आए, इन समझदारी से हम हर हर प्रॉब्लम में पीसफुली रह सकें जी। और समझदारी तो हमारी है, प्रॉब्लम चाहे कितने भी बाहर के क्यों ना हो जी। हमारे पास चाहे कितने भी बुलेट्स हमारे पास क्यों ना आते हो, लेकिन हमने एक ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया तो आप हर बुलेट को सामना कर सकते हो ना जी। आपको क्या एक ही बुलेट का सामना थोड़ी करना पड़ता है जी। ऐसा बुलेट प्रूफ जॉकेट मुझे भी एक चाहिए तो ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा हाँ ज़रूर मिलेगा जी। मिलेगा ज़रूर, मिल सकता है जी। हम ऐसे ही जैकेट्स लेकर फिरते हैं और हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को, बस ये प्योर अंडरस्टैंडिंग से ही है, समझदारी से ही है।
समझ में आया ना जी। मैंने निरुमा एक वो आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया था 3 दिन का, जिसमें वो एक प्राणायाम, एक प्रकार का प्राणायाम सिखाते हैं जिसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर वापस ऐसे अनुभव में आया कि जब वो क्रिया नहीं करते हैं सुदर्शन क्रिया तो, और उससे गैप पड़ जाता, तो फिर वापस वो कि वो प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। अच्छा लगा कुछ समय तक, पर जैसे ही रोज़ के जीवन में पत्नी है वो मैं जैसे अपेक्षा करता हूँ उसके विपरीत उसका व्यवहार या आचरण हो, तो वापस क्रोध और प्रतिक्रिया हो जाती है उस इस प्रकार का, तो वापस वो का वो शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद में, तो परमानेंट उस सेंस में नहीं रहता है। यह हम आपको कुछ करने के लिए नहीं बताते हैं, कुछ क्रिया करने के लिए बताते हैं जी। हम तो आपको नई दृष्टि देते हैं। अभी जो आप जिस राह पे चलते हैं वो आपकी दृष्टि आपकी है जी। जो दुख देने वाली है, हम ऐसी नई दृष्टि देंगे जिससे आपकी नई राह खुली हो जाएगी, वहाँ सुख ही सुख, दुख नहीं आएगा। और वो दृष्टि ही है जी। और कुछ नहीं है, दृष्टि खुलने की बात है, और वो समझदारी से ही खुलती है, क्रिया से नहीं। वो आप जो करते हो आप उससे हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो करते है करो, लेकिन हम हमारी तो अंडरस्टैंडिंग की ही बात है। दृष्टि मतलब कोई विशेष धर्म या कुछ धर्म, मंत्र या ऐसे कुछ करना ना, पड़ेगा धर्म, या क्या? नो मंत्र नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं है। दृष्टि यानी आपकी देखने का तरीका। ओके। आप जिस चीज को देखते हैं उस देखने का तरीका ही आप बदल, आपका बदल जाएगा, नए तरीके से देखने लगोगे जी। यही चीज, जिस चीज को आप अपमान समझते वही चीज को आप ब्लेसिंग डिसगाइज समझोगे जी। समझ में आया ना जी। फॉर एग्जाम्पल, तो डिटेल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संपर्क में रह के इस दृष्टि को, ज़रूर ज़रूर जितना आप हो सके संपर्क में रहो जी। और पूछ कर आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो जी। और पक्का एक बार हो गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी और कहीं भी जी। एक शंका निरुमा हुआ था कि ये रामचंद्र जी जो थे उन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, तो एक प्रश्न है क्या ये भी एक अपमान का भय था पब्लिक का, कि क्या था मतलब? नहीं, उनके बारे में जो है उनको तो कोई शंका थी नहीं सीता के चरित्र पर। नहीं, सीता जी के नहीं, वो सिद्धांत की बात थी और राजा के सिद्धांत की बात थी, अपमान का भय नहीं था। वो बनिए नहीं थे जी, वो क्षत्रिय थे, ऐसे वैसे अपमान से नहीं घबराते थे। वो तो सिद्धांत था कि मेरे राज में कोई दुखी ना होना चाहिए, किसी को कोई कंप्लेन ना होना चाहिए, सब कोई सुखी था, खुशी में था, आनंद में था, और ये धोबी इतना दुखी था जी। उसको यह शंका थी, ब्लेम था तो राजा की ड्यूटी क्या है कि अपनी प्रजा का हर प्रजा की हर डिमांड को पूरा करना चाहिए, प्रजा की हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, प्रजा जो चाहता है वह पूरा करना चाहिए। तो इसे छोटे से छोटे इंसान, धोबी जैसे इंसान की भी उन्होंने बात को टाला नहीं जी। उसको इम्पोर्टेंस दिया जी। बस यही बात थी। उस समय वो पति नहीं थे, सीता को पत्नी नहीं देखते थे जी। उस समय उन्होंने खुद को अपने को एज ए किंग, राजा जी, राजा के तरीके उस जगह पे अपने को देखा, और राजा की क्या फर्ज है उस फर्ज की, फर्ज को उन्होंने अदा किया जी। शायद उसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की टाइटल से तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो इससे भी आगे की बात है। वो तो निरंतर कहते हैं ना, रामचंद्र जी मोक्ष में गए जब योग वशिष्ठ ग्रंथ में जो आत्मा का बोध था वो प्राप्त किया, और उस दृष्टि में ही थे जी।
थ्रू आउट लाइफ। इन सारी चीज़ों से तो बिल्कुल निर्लेप थे, वनवास गए या ये रामायण का युद्ध हुआ या सीता को सीता का त्याग कर दिया, सारी चीज़ों से वह खुद तो भीतर से तो निर्लेप ही थे, वह आत्मस्वरूप में ही थे, उनका ध्येय अलग था। धन्यवाद निर्मा। निर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के कार्यक्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी रखनी चाहिए? ऐसा है हमारे भारत में ऐसा, पत्नी हमेशा हाउसवाइफ रहती है, काम नहीं करती है, बाहर घर काम ही करती है, और पति है तो बाहर कमाता है, ये सब कुछ काम पति का है। यानी दो डिपार्टमेंट कुदरत ही, कुदरत की तरह से ही पहले से ही अलग हो गए हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट अलग रखे तो घर में शांति ज़्यादा रहेगी। पति पत्नी के डिपार्टमेंट में दखल ना करे और पति पत्नी के डिपार्टमेंट दखल ना करे। होम डिपार्टमेंट पत्नी का है और फॉरेन डिपार्टमेंट पति का है। पति का काम क्या है? तो कमाना, बाहर का कुछ आ गया तो सब संभालना, और पत्नी का काम है घर का सारा संभालना, बच्चों की देखभाल करना, पति की देखभाल करना। और जो रिश्ते हैं सास के, देवरानी जेठानी के, इन सारे रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना, पति को शांति देना, प्रेम देना, बच्चों को भी प्रेम देना, घर में टिक टिक नहीं करना, तो बहुत अच्छा चलेगा। ये सब बातें जो हैं आप बताती हैं वो सुनने में तो अच्छी लगती है, बुद्धि आप बोलती हैं तब स्वीकार भी करती है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि एक जो आदत सो गिर जाती है कि हमेशा पत्नी को क्या होता है कि उसको लगता है कि मेरा पति बहुत भोला है और ये बहुत वो पैसे को कारोबार करने का उसको अच्छा नहीं जमता है। और कभी कभी ऐसा है कि जो भी कुछ जो कारोबार जो भी कोई करता है उसकी कहाँ ना कहीं गलती होती रहती है। अब पैसे की बात ऐसी है कि पैसे के बारे में जो गलती होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, बाहर आती है तब उसका बहुत बड़ा स्वरूप होता है। और पत्नी की भी गलतियाँ तो होती है, नहीं होती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो होती है ना तो घर के मामले में होती है, छोटी मोटी होती रहती है। और ये छोटी मोटी गलतियाँ बाहर जल्दी आती नहीं है, और पत्नी बड़ी होशियारी से इन सारी गलतियों को ढक दे सकती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन पति की गलती तो जब भी बाहर आ जाएगी। तो पत्नी को यह स्वीकार नहीं होता है कि पति की गलती हो जाए तो अपन स्वीकार लो, तो उसको फौरन ही है उसका प्रतिकार होता है कि ये इसको क्यों ये संभालना नहीं आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं भी उसको मदद करूँ उसके उसके कारोबार में संभालने के लिए, उसको समझता नहीं हो तो भोला है उसको ऐसा है वैसा है, तो उसको मैं ज़रा होशियारी दूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होते जाता है, क्योंकि दोनों के विचार अलग तो होते ही हैं, कभी कभी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। फिर भी पैसे के लेन देन के बारे में है, किसी को दिया लिया है कितना है, कुछ मोटी मोटी बातें जो छोटी छोटी भले ना करे लेकिन मोटी मोटी बातें मेरा ऐसा मानना है कि पत्नी की जानकारी में होनी चाहिए, ये बराबर की हिस्सेदार है सुख में दुख में, हर तरह से उसका हाथ बटाएगी, उसकी कोई दुश्मन तो है नहीं ना, तो जानकारी होनी चाहिए ऐसा मैं मानती हूँ, इसको दखल दखल नहीं कह सकते शायद। नहीं दखल नहीं करे बगैर रहती नहीं है, इसलिए पति उसको जानकारी नहीं देता है, दखल करे बगैर नहीं रह सकती है वो, उसका स्वभाव ऐसा है कि उसको अगर लगा है कि मेरा पति कुछ गलत कर रहा है तो फौरन ही वो दखल करने आ जाएगी, वो होने नहीं देगी। हालांकि प्रेम से अगर एक दूसरे के लिए एक दूसरे की समझे और एक दूसरे की मदद करें,
एक दूसरे के काम में तो हर्ज नहीं है, कुछ भी करो अगर लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो बात बिगड़ती है, तो ही बात बिगड़ती है। ऑल ऑफ ए सडन अगर कुछ अनिच्छनीय बन जाए तो होता है, दुख भी होता है, रिएक्शंस भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, सभी कुछ होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है ना, जिसकी जितनी समझ होगी उस आधार से वो रिएक्ट करेगा। मूल बात तो समझदारी की है, लेकिन सिद्धांत के तौर पे मैं ऐसा मानती हूँ कि पति को जानकारी देनी चाहिए पत्नी को, कि मुश्किली के समय में वो ये सब उसको मालूम हो कि भाई क्या हकीकत है, क्या है क्या नहीं है, तो उसको हैंडल कर सके, बैलेंस कर सके। यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है पुरुषों में कि उनको मान आड़ा आ जाता है, मैं हूँ ना मैं सब संभाल लूँगा, हो तो सही लेकिन कब क्या होता है किसको क्या मालूम है। कभी बहुत ऐसी कोई बात बन जाती है, अघटित घटना, तब हो सकता है ऐसा, कभी कभी हो सकता है। लेकिन यह सब पिछली उम्र में, जवानी में तो सब पहुंच जाते